एक आना छोड़ दो, चल छोड़, एक आना बेटा छोड़, जितना नहीं करते चल छोड़, छोड़ गाने छोड़, छोड़ बेटा छोड़। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघ ने बस के पर्दे को मुंह में दबोच रखा है और बस के पीछे दौड़ रहा है। बाघ का ये वीडियो रायपुर के अटल नगर के जंगल सफारी का है। मामले की जांच में पता चला कि सफारी घूमने गई बस में बैठे लोगों ने बाघ को उकसाया था, जिसके बाद बाघ ने बस के पर्दे को दबोच लिया। फिलहाल मामले में सफारी प्रबंधन के 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और वन मंत्री ने भी जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। वीडियो के जरिए आप सब देख चुके हैं और संबंधित लोगों को के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। जंगल सफारी में किसी भी प्रकार की यदि लापरवाही होगी तो त्वरित कार्रवाई हम लोग करेंगे, लेकिन वो आपकी जानकारी में है जो कुछ हुआ है। ये वहाँ पे व्यवस्था तो बहुत अच्छे, मतलब चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल सफारी को हम लोगों ने नई सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आम लोगों के लिए ओपन किया। पहले तो बच्चे जा ही नहीं सकते थे क्योंकि टिकट इतना अधिक था कि एक परिवार में बहुत अधिक यदि लोग जाएंगे तो एक कठिनाई होती थी, तो हम लोगों ने पूरे दरों को आधा कर दिया। 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री भी किए कि भाई जिनके लिए बना है वो तो देख लें कम से कम। अब ये पर्दा गिरने वाली एक घटना है और पर्दा गिरने के बाद यदि जो कर्मचारी हैं उसको पीछे दौड़ के और हल्ला मचा के उसको डिस्टर्ब नहीं करते तो कोई बात भी नहीं होती। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो भी क्यों हुआ, तो उसके लिए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। देखिए ये संबंधित अधिकारियों के द्वारा जो भी किया गया है अब वो पूरी बात, पूरा रिपोर्ट बुलवाया गया है, उसमें रिपोर्ट देखने के बाद ही कुछ कहना ठीक है कि उनको जो सज़ा मिलनी थी किस स्तर तक जाके सज़ा देना है ये रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बोलना ठीक है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जंगल सफारी में बाघों के साथ पर्यटकों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने से घटना की खबर राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पास भी पहुंच गई है, जिस पर चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जंगल सफारी प्रबंधन से घटना के बारे में जवाब मांगा है। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट।